Hello students, in the last episode of Gravitation, we did the problems on Newton's law of gravitation. Now, in this video lecture, we will learn the relationship between acceleration due to gravity and universal gravitational constant and the problem related with the same topic. So, what is the relation between the acceleration due to gravity ko hum g se denote karte hain and it is how it is related with universal gravitational constant. This is the relation. So g is gravity, acceleration due to gravity. M and r yahan pe kya hai? M is the mass of the object or mass of that planet whose acceleration due to gravity is this, and r is the radius of planet. Suppose if we are discussing about the earth, so hum yahan pe jo mass lenge wo earth ka mass hoga and jo radius hoga wo earth ka radius hoga. So start karte hain isse related kuch problems. So, a question dekhte hai, the acceleration due to gravity at the moon surface is 1.67 meter per second square. If the radius of the moon is 1.74 into 10 to power 6 meter, calculate the mass of the moon. Here, what is given? Acceleration due to gravity on the surface of moon is given 1.67 into 10 to power, 1.67 meter per second square. And the radius of moon is given. Okay, so the value of g is not constant. ये हमारी जो g की value है, ये हमारी vary करती रहती है. On the surface of earth, its value is 9.8 meter per second square. So हमें mass calculate करना है. So we know g is equal to gm by r square होता है. यहाँ मैंने आपको बताया, जिस भी planet की हम g ले रहे हैं, उसी planet का mass और उसी planet का radius होता है यहाँ पर. तो हमें mass calculate करना है. तो we can calculate mass. So just substitute the value, you will get mass. So it is 1.67, the radius is 1.74 into 10 raised to power 6, and g is 6 square, and the value of g is 6.67 into 10 raised to power minus 11. So after calculating this, you will get the value of you will get the mass that will be approximately equal to 7.58 into 10 raised to power 22 kg. एक और क्वेश्चन देखते हैं. द बॉडी वेट्स 90 kgf ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. हाउ मच विल इट वेट ऑन द सरफेस ऑफ मास हुज मास इज 1/9 एंड द रेडियस इज हाफ ऑफ दैट ऑफ अर्थ. सो व्हाट इज गिवन. हम यहाँ पर दो प्लैनेट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, अर्थ एंड मास. तो कैसे कर सकते हैं? वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ earth is given, that is how much weight on the surface of earth is 90 kgf. What is kgf? kgf is the gravitational unit of force. Then the mass will be 90 kg. अगर हमें इसे न्यूटन में कन्वर्ट करना है, देन वी नो द ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 9.8 और 10. तो इफ़ वी मल्टीप्लाइड बाय 9.8 और 10, वी गेट द वेट इन न्यूटन. सपोज मेरे को ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट इट इनटू न्यूटन, तो मैं क्या करूँगी? सिर्फ इसको 10 से इंटू, देन आई विल गेट द वेट इन न्यूटन. ओके, केजीएफ इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स. सो मास इज 90 kg, दैट मास इज गिवन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ओके, हमें क्या कैलकुलेट, अगर आपसे पूछे कि मास ऑन द सरफेस ऑफ मास कितना होगा, सो दैट विल रिमेन एट 90 kg, बिकॉज मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट विल नेवर चेंज. सो हमें क्या कैलकुलेट करना है इन दिस क्वेश्चन? वेट ऑन द सरफेस ऑफ मास, दैट वी नीड टू कैलकुलेट. सो वी हैव अ फॉर्मूला, जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर. ओके, वी हैव दिस फॉर्मूला. तो अगर हम इसे अर्थ के लिए यूज करते हैं, देन मैं कैसे यूज करूंगी इसे? आर ई स्क्वायर.
एंड अगर मैं जो मुझे इसे मार्स के लिए यूज करना है तो मैं एम सिंबल यूज कर रही हूँ इसमें मार्स के लिए, तो क्या हो जाएगा एम एम बाय आर एम स्क्वायर. ओके नाउ आई कैन डिवाइड दीज टू इक्वेशन. अगर मैं इक्वेशन टू को वन से डिवाइड करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए अगर मैं इक्वेशन टू को, सिंस इट इज, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जी एम मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस सो ग्रेविटी. सो मास जो है मून, मास जो है मार्स का ऊपर न्यूमरेटर में होगा एंड डिनोमिनेटर में मास अर्थ का होगा. एंड सिंस जब हम ये करेंगे तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल, तो रेडियस अर्थ का ऊपर और मास का नीचे हो जाएगा. ध्यान रखिए ये स्टेप लिखने में, इसको इसको डिवाइड करने में कोई मिस्टेक नहीं करनी है. जी एम अपॉन जी ई मैंने किया तो मैंने मास उसी रेशियो में रखा है लेकिन रेडियस का मैंने रेशियो इस रेशियो से अपोजिट कर दिया. तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करती तो यहाँ पर मेरे पास एम ई बाय एम एम होता बट यहाँ आर एम बाय आर ई हो जाता. तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, इस स्टेप में कोई मिस्टेक नहीं करनी है. ओके नाउ द दीज रेशियोज एक्चुअली इज गिवन इन क्वेश्चन देन द दैट इज द मास इज 1/9 ऑफ अर्थ मीन्स द गिवन थिंग इज व्हाट द मास ऑफ मार्स इज 1/9 द मास ऑन अर्थ. तो हमें यहां से रेशियो मिल जाएगा इन दोनों का, राइट. एंड द रेडियस ऑफ मार्स is one half radius of earth. So RM by RE will be 1/2. Fine. The two ratios are given. Now हम यहाँ से अगर इस ratio का use अगर मैं इस equation में करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? Yes, बोलिए. MM upon ME is how much? 1/9. And RE by RM is how much? Sorry, RM by RE is 1/2. But we need RE by RM. तो वो हमें क्या मिल जाएगा? 2/1 और ये स्क्वायर है. मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ रेशियोज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है. तो क्या मिलेगा मुझे? GM upon GE will be 1/4/9. So I can say here GM will be 4/9 of GE. मुझे ग्रेविटी मून पे मिल गई, सॉरी मार्स पे मिल गई, दैट इज 4/9 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑन मून. तो मैं अब इजिली अब इसका वेट कैलकुलेट कर सकती हूँ बिकॉज W इक्वल टू एम जी होता है. तो वेट ऑन द मार्स विल बी मास इंटू ग्रेविटी ऑन मार्स. तो ग्रेविटी ऑन मार्स इज how much? 4/9 times the gravity on earth and the mass is given which is 90 kg. So main 90 into 4/9 GE, so this will be 40. If I need to calculate in GF then it will be 40 kgf. Agar mujhe ise newton mein convert karna hai then it will be 400 newton. To kya dekha humne? Earth pe jis body ka weight 90 kgf tha usi same body ka weight मास पे 40 kgf हो गया. बट अगर आप पूछे कि मास कितना होगा क्वेश्चंस में, समटाइम फाइंड द वेट एंड मास ऑन द सरफेस ऑफ मून, सो सरफेस ऑफ मास भी पूछ सकते हैं. तो मास विल रिमेन सेम, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन मास अगर पूछे तो मास जो रहेगा दैट इज दैट विल बी रिमेन सेम. सो आर आंसर इज 40 kgf, दैट इज द वेट ऑन मास. एक और क्वेश्चन देखते हैं. अ मैन कैन जंप 1.5 मीटर हाई ऑन द अर्थ, कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट हाइट. ही माइट बी एबल टू जंप ऑन द प्लैनेट हुज डेंसिटी इज 1/4 दैट ऑफ अर्थ एंड हुज रेडियस इज 1/3 ऑफ अर्थ रेडियस. इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में? एक पर्सन है जो कि 1.5 मीटर हाई जंप कर रहा है. ओके तो
अगर वो अर्थ पे एनर्जी लगा के अर्थ पे 1.5 मीटर हाई जंप कर सकता है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है क्या वो जब दूसरे प्लैनेट में उतनी एनर्जी के साथ जंप करेगा तो क्या वो उसकी हाइट क्या सेम रहेगी, डिफरेंट होगी, या क्या किस कितनी हाइट तक वो जंप कर सकेगा अगर वो ऐसे प्लैनेट में जंप कर रहा है जिसका डेंसिटी अर्थ से 1/4 मींस 1/4 है एंड उसका रेडियस अर्थ के रेडियस से 1/3 है. तो ये उसको चेक करना है उस पर्सन को कि मैं उतना ही उठ सकता हूँ या उससे ज़्यादा या लेस, उतनी ही एनर्जी के साथ मैं कितना हाई या कितना लो जंप कर सकता हूँ. तो देखते हैं उस पर्सन ने उस कितना हाई जंप या लो जंप किया. तो देखिए हाइट जो है उस पर्सन की मीन्स कितना जंप कर रहा है अर्थ पे, वो कितना मीटर हाई जंप कर पा रहा है 1.5 मीटर. हाँ, उसने प्लैनेट पे कितना जंप किया वो कितने हाइट तक गया, एनर्जी वो ध्यान रखिए इस केस में सेम एनर्जी लग रहा है, सिर्फ प्लैनेट का डिफरेंस हो रहा है. और हमें क्या दिया हुआ है, डेंसिटी जो है वो किसकी, उस प्लैनेट की 1/4 है दैट ऑफ अर्थ. एंड द सेकेंड थिंग विच इज गिवन, जो रेडियस है उस प्लैनेट का वो 1/3 है रेडियस ऑफ अर्थ. दीज टू कंडीशंस आर गिवन. तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है gm/r² हमारे पास तो बस ये फॉर्मूला होता है, बट यहाँ मास से रिलेटेड कुछ नहीं है, डेंसिटी से रिलेटेड है. तो हम यहाँ पर मास को डेंसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं बिकॉज वी हैव अ रिलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. सो मास विल बी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो मैं यहाँ पे मास को रिप्लेस कर रही हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से. ओके, नाउ वॉल्यूम हमें पता है कि अगर हम किसी भी प्लैनेट को अगर हम स्फेयर लेते हैं तो रेडियस जो होता है स्फेयर का दैट विल बी इक्वल टू 4/3 πr³/r². सो आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर विल कैंसिल आउट. तो हेयर हमें क्या मिलेगा, 4π/r/3. ओके, सो जी विल बी दिस. सो ये हमारे पास रिलेशन हो गया किसका किसका, ग्रेविटी रेडियस एंड डेंसिटी के रिस्पेक्ट में हमारे पास ये रिलेशन हो गया. तो ये रिलेशन हम दोनों के लिए यूज करते हैं, अर्थ के लिए भी एंड उस प्लैनेट के लिए भी. तो देखिए क्या हो सकता है, अगर मैं अर्थ के लिए यूज करती हूँ तो जी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको मैं पहले लिख लेती हूँ, 4 पाई g/3 इज कॉन्स्टेंट टर्म एंड रो इंटू आर. सो ये इसको मैं क्या लिखूंगी, अर्थ के लिए अगर मैं लिख रही हूं तो रो ई और आर ई. ओके, एंड अगर उस प्लैनेट के लिए लिख रही हूं तो 4π g ρ p r p/3. ओके, तो ये मैंने रिलेशन ले लिया. अब मुझे मैं क्या कर सकती हूं, मेरे पास rp/rg का अगर मैं रेशियो लेती हूं तो मुझे ρp/ρe इंटू rp/re मिलेगा, राइट, इफ आई डिवाइड दीज टू इक्वेशंस तो मुझे क्या रिलेशन मिल जाएगा ये. अब मैं क्या कर सकती हूँ इसको, बोलिए rp/re इज गिवन इन क्वेश्चन दैट इज 1/4. ओके, तो मैं इसको 1/4 पुट कर सकती हूँ एंड rp/re इज 1/3. सो यहाँ मेरे पास क्या रिलेशन मिल गया, gp/ge विल बी 1/12 ऑफ ge. ये मेरे को उस प्लैनेट की ग्रेविटी पता चल गई विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. सो इफ वी अज्यूम दैट मैन पुट्स द सेम एनर्जी इन जंपिंग high on the earth and on that planet also, then we can take mgehe equal to gp and hp. okay,
सो मास सेम रहता है, मास किसी भी प्लैनेट में चेंज नहीं होता है, तो दिस विल कैंसिल आउट. सो जी ई एच ई, नाउ आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ जी पी, दैट विल बी 1/12 ऑफ जी ई एच पी. ओके, जी ई जी ऑल्सो कैंसिल आउट, तो 12 एच ई इक्वल टू एच पी, 12 इन टू एन एच ई इज गिवन, दैट इज 1.5 एच पी. इफ यू मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट 18. सो मैन कैन जम्प, सो हाइट विल बी 18 मीटर. सो द अप्रॉक्सीमेट हाइट ही माइट एबल टू जम्प ऑन दैट प्लैनेट विल बी 18 मीटर इफ ही कैन जम्प 1.5 मीटर हाई ऑन द अर्थ. सो नाउ वी हैव डन द रिलेशनशिप बिटवीन द स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. इन आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ग्रेविटेशन वी विल डू द रिलेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ एल्टीट्यूड. सो इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स.